बुराई पर अच्छाई की विजय के पर्व पर कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा 55 फीट का रावण का पुतला रामलीला मैदान में दहन किया गया। यहां रावण के पुतले को बहेड़ी के कलाकार शंभू बाबा की टीम की ओर से तैयार किया गया, जिन्होंने हल्द्वानी के अलावा नैनीताल, भवाली, धानचूली सहित अन्य स्थानों में हो रहे आयोजन के पुतलों को तैयार किया है। नैनीताल जिले के कई स्थानों पर करीब 4.50 लाख रुपये के पुतलों का दहन किया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ पर हो रहा है। मैं संचालन समिति को और रिसीवर जो कि सिटी मजिस्ट्रेट है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रामला समिति द्वारा यहाँ पर जो दशहरे का मेला था उसका समापन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में अहिरावण और रावण के वध के रूप में आज रावण का पुतला फूंका जाएगा। देख रहे हैं कि जो हमारा अच्छाई का प्रतीक हमारा दशहरा पर्व है हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हल्द्वानी में भी रामलीला कमेटी के रावण का किया गया है। यहाँ तो तीन पीढ़ी मेरे पास अटूटी हल्के हल्के करके और मुझे ही काम करते कम से कम 60 के 70 करीब हो गई और यहाँ की रामलीला से मेरा लगाव ऐसा है सब लोगों से और राम सेवा में अच्छा भी लगता है यहाँ पे। बिल्कुल, विजयदशमी का स्वाद तो हमेशा से ही हिंदू समाज में रहता है क्योंकि आज जो है रावण पर जीत का एक पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। भगवान राम द्वारा जो है आज रावण पर विजय प्राप्त की गई है तो उसके पूरे देशवासियों को श्री रामला समिति संचालन समिति 2023 की ओर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संचालन समिति द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है।